गाइस, इट्स सोनल हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना अच्छा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी स्किन में जो भी रेडनेस होती है, ईचिंग होती है या फिर इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ये उसे रिड्यूस करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, फिर ये आपके पोर्स को जो क्लॉग हो गया है उसे अनक्लॉग करेगा, और एक्ने और पिंपल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें मैं डालने वाली हूँ टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल जो होता है वो है नेचुरल बैक्टीरिया फाइटर उसे हम कहते हैं, और उसमें भी एंटी इन्फ्लामेंट्री और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है हमारे स्किन प्रॉब्लम के लिए, और एक्ने और पिंपल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस टोनर को हमें कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, तो मैंने आधा ग्लास पानी लिया है। फिर हमें चाहिए टी ट्री ऑयल, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर गुड वाइब का टी ट्री ऑयल। और फिर हमें चाहिए ग्रीन टी, तो मैं ग्रीन टी बैग यूज़ कर रही हूँ, और मैं दो ग्रीन टी बैग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लूज़ ग्रीन टी भी यूज कर सकते हैं। और फिर हमें चाहिए ये स्प्रे बॉटल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है ऑन कर लिया है, और मैंने जो पानी लिया था वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर हम इस पर अपनी जो ग्रीन टी थी हमारी बैग उसे मैंने कट कर लिया है। तो ये मैंने डाल दिया ग्रीन टी को, इसे हम बॉईल होने देंगे। जब तक ये पूरी तरह से बॉईल नहीं हो जाता, इसका कलर नहीं अच्छे से आ जाता है, तब तक इसे हम बॉईल करेंगे। चार मिनट बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। चलिए इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये मैंने स्ट्रेन कर लिया और उठ गई है। इसे आप थ्रो नहीं करें, ये जो पत्तियां हैं इसकी, आप अगर DIY बनाते होंगे घर पे, मीन्स कोई भी फेस पैक तैयार करते होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक इसका बनता है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा छन गया, इसमें हम डालने वाले हैं ये टी ट्री ऑयल। तो इसका हम 4 से 5 ड्रॉप डाल लेंगे। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से, इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं स्प्रे बॉटल में। बन गया हमारा टोनर। तो चलिए इसे मैं अब आप लोगों को यूज करके दिखाती हूँ। टोनर को यूज करने से पहले हमेशा बॉल को है वो अच्छे से सेक कर लीजिएगा। चलिए इसे मैं अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ। काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फीलिंग दे रहा है ये टोनर, और ये टोनर काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके लार्ज पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, और
एटलीस्ट ट्वाइस ए डे और आप इसे यूज कर सकते हैं आराम से, आपका जाएगा 10 से 12 दिन। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर दें और फिर से जब ये खत्म हो फिर से बना लें, क्योंकि बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, हमें ज़्यादा इंग्रीडियंट्स भी नहीं चाहिए। होप आप लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो और आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मुस्कान हैप्पीनेस को और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के लिए आप नोटिफाइड रहेंगे और आप लोगों से मेरी